नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक कौवा, जब उसे पता चला कि हमारे ही जंगल में एक ऐसे महात्मा जी आए हुए हैं जिनसे अगर कुछ भी मांगा जाए पूरा करते हैं, कौवा बहुत ही एक्साइटेड होकर के उन बाबा के पास पहुंचा और बाबा के पास जाकर के उनके चरण छूता है और कहता है कि बाबा, आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। बाबा कहे कि हाँ कहो। कौवे ने कहा बाबा से, मैं कौवे की जिंदगी नहीं जीना चाहता, ये कोई जिंदगी है या काँव काँव करता रहो? कोई मुझे रिस्पेक्ट से देखता नहीं यार, कोई मुझे पालता नहीं है, काम भी आता हूं तो श्राद्ध में। इस तरह की बातें उन्होंने कही। जहां भी जाओ लोग हट हट करते हैं, कोई मुझे प्रेम पूर्वक बुलाते नहीं है, कोई मुझे खाना नहीं देते। बाबा ने प्रेम पूर्वक पूछा, क्या बनना चाहते? कौवा बहुत एक्साइटेड होकर के कहा कि बाबा, मैं हंस बनना चाहता हूं। तो अच्छा, एक शर्त है, मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले एक बार तुम हंस के पास जाओ और उससे मिलकर के आओ। कौवा गया, बड़े एक्साइटेड होकर के, ओ हंस भाई कैसे हो? अरे तुम्हारी जिंदगी तो मजे मजे में कटती है यार, कितना सुंदर तुम्हारा प्यारा प्यारा रंग है, सफेद, शांति का प्रतीक, ओह माइंड ब्लोइंग। हंस ने कहा, कौन बोला, किसने कहा तुझसे ये बातें कि मैं खुश हूं, मेरा कलर सुंदर है, मैं सुंदर दिखता हूं? ये भी कोई कलर है यार? लोग फोटो खींचते तो पता ही नहीं चलता पानी की खींच रहे कि मेरी खींच रहे हैं, पानी में मिल जाता हूं यार, कोई कलर है ये? पानी के अंदर दिखाई नहीं देता, उसे ढूंढ करके खाना पड़ता है, ये भी कोई कलर है? ये भी कोई जिंदगी है? कौवा और हंस भागे भागे बाबा के पास आए। तो हंस ने कहा कि बाबा, मुझे कोई और जन्म दीजिए, मैं हंस नहीं रहना चाहता हूं। तो उस बाबा ने कहा कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन बनना क्या चाहते हो? तुम उससे एक बार मिलकर के आओ। तो उस हंस ने कहा, बाबा मैं तोता बनना चाहता हूं, कितना प्यारा रंग है, कितनी प्यारी चोंच है उसकी, कितना मीठा बोलता है। तो बाबे की शर्त के अनुसार कौवा और हंस दोनों तोता से मिलने चले। एक पेड़ के तीन चार चक्कर लगाने के बाद एक तोता दिखा और कहा, क्या हाल है मिट्टू भाई? अरे तुम तो मजे मजे में जिंदगी काटते हो यार, कितनी प्यारी तुम्हारी रंग है, कितने प्यारे तुम दिखते हो, तुम्हारी होंठ कितना लाल लाल, तुम कितना प्यारा बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, हे राम बोलते हो, कितना अच्छा लगता है तुम्हें, लोग पालते हैं, मिठू मिठू करते हैं, तुम्हें चुम्मी लेते हैं। तोते ने कहा, कौन बोला, किसने कहा तुझसे कि मैं खुश हूं? तुम्हें भी तकलीफ है? बिल्कुल तकलीफ है, ये भी कोई रंग है? तुम चार चक्कर लगाए तब जाकर के मैं दिखा यार, पेड़ में मिल जाता हूं, ये कोई कलर है? लोग मुझे पकड़ के ले जाके पिंजरे में बंद कर देते हैं, मुझे कुछ से कुछ सिखाते हैं, मुझे उनकी भाषा बोलनी पड़ती है, कितनी तकलीफ होती है मुझे उस पिंजरे में रहने में, तुम समझते हो? तीनों भागे भागे बाबा के पास आए और फिर वही बात, बाबा ने कहा कि जो तुम बनना चाहते हो तुम उससे एक बार मिलकर के आओ। तो तीनों ने डिसीजन लिया कि हम लोग मोर बनते हैं, कितना प्यारा दिखता है ना वो, राष्ट्रीय पक्षी है। तो भागे भागे तीनों मोर के पास पहुंचे। हंस, कौवा और तोता जब मोर के पास पहुंचे और मोर को कहा, क्या हाल है मोर भाई, कितना प्यारा तुम्हारा रंग है, जब तुम अपने पंख फैला करके
नाचते हो उससे पहले लोग इंतजार करते हैं कि तुम्हारा पंख फैलेगा। बारिश होती है जब तुम पंख फैलाते हो। तुम राष्ट्रीय पक्षी हो, तुम्हें लोग पूजते हैं। मोर ने कहा। अच्छा, तो फिर हंस ने कहा, तुम कितनी खुशी खुशी अपनी जिंदगी में जीते होगे ना। मोर ने कहा, किसने कहा रे? किसने कहा तुमको ये भी कोई जिंदगी है? तो तुमने कहा तुम्हें भी तकलीफ है? तो तकलीफ, बहुत तकलीफ है। कान लगाओ, सुनो, कुछ सुनाई दे रही है। तीनों आवाज लगा के सुनते हैं। ठक 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 की आवाज आ रही है। था क्या है ये? मोर ने कहा, शिकारी है। कल मम्मी पापा को मार दिए, बहन और भाई को तो बहुत पहले मार दिए। उन्हें मार के उनके पंखों को नोचा जाता है, उनके मांस को खाया जाता है और उसी पंख को पूरे भरी बाजार में सबके साथ शेयर किया जाता है, बेचा जाता है और लोग उसे बड़े प्यार से अपने घर में जाके सजाते हैं। मेरा आज का पता है ये भी पता नहीं है। एक बात बताओ, किस पल मेरी जान चली जाएगी ये मुझे खुद पता नहीं है। इससे बदतर जिंदगी कुछ हो सकती है क्या? तो उन सब ने कहा, तो फिर क्या बेहतर है? कौवे को कहा कि तुम बेहतर हो। तुमने चिकन बिरयानी सुनी है? कौवे ने कहा हाँ। मटन बिरयानी सुनी है? कौवे ने कहा हाँ। कभी कौवा बिरयानी सुनी है? कौवे ने कहा ना। तो तुम बेहतर हुए ना, तुम्हें किस बात की डर है? कोई तुम्हें मारने के लिए नहीं आता, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, तुम्हारे पंख को नोच करके कोई घरों में नहीं सजाते, इसलिए तुम सबसे बेहतर हो। तो मेरे प्यारे बंधु, खास करके मेरे जो पढ़ाई करने वाले मित्र हैं, भाई हैं, बहना है, अगर किन्हीं को लगता है कि वो बेहतर है, मैं बेहतर नहीं हूं, वो बेहतर है, मैं बेहतर नहीं हूं, तो आप गलत सोचते हैं। हर इंसान को भगवान ने एक बेहतरीन खूबी के साथ इस धरती पे भेजा है जो सिर्फ आप में है, और वो खूबी दुनिया के किसी भी इंसान के अंदर नहीं है। अपनी खूबी को पहचानिए और उसके तहत ही आप आगे बढ़िए। यकीन मानिए, आपसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता।